दरअसल में मोदी सरकार मुसलमानों से, दलितों से, आदिवासियों से इतनी बौखला गई है कि वो बौखलाहट में ये भूल गई है कि मानवता क्या होती है, मानवीय अधिकार लोगों के क्या होते हैं। आप देखिए, दलितों को पीटा जा रहा है जगह जगह, मुसलमानों को मारा जा रहा है, आदिवासियों को मारा जा रहा है। यानी मोदी सरकार कतई नहीं चाहती कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान, दलित या आदिवासी रहें, और ये मोदी सरकार की बौखलाहट है, तानाशाही है। सर, अभी इन्होंने पीछे जब ये चुनाव लड़ा था कि तीन तलाक का इन्होंने मुद्दा बनाया, अभी इन्होंने एक बिल लाए हैं कि तीन तलाक का बिल इन्होंने पास कर लिया। ये सारे मुद्दे भटकाना चाहते हैं, क्योंकि जब इन्होंने, ये लोग सत्ता में आए थे, हम पूछते कहाँ गए 15 लाख रुपए, हम पूछते कहाँ गए युवाओं का रोजगार, हम पूछते कहाँ गई लाखों नौकरियां, ये सब भूलकर सिर्फ और सिर्फ तीन तलाक, मुसलमान और आदिवासी, इन पे ये लोग काम कर रहे हैं।